तो आज हम बनाएंगे श्रावण मंडे स्पेशल बनाना भोग। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मंडे है और क्या प्रसाद बनाएं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी झटपट बनकर रेडी हो जाता है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इस बनाना रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के बनाना ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला बनाना नहीं है तो आप छोटा बनाना भी ले सकते हैं। जैगरी जिसको पाउडर कर लिया है, कोकोनट है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और दो इलायची जिसको पाउडर करके रखा है यहाँ पर मैंने, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और हनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और जो बनाना है उसको इसमें कट करके डाल लेंगे। और अभी हम इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून हनी डाल देंगे। जैगरी आप इसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए आप उसके हिसाब से जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट मैं पूरा यूज कर रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप आधा घंटा पहले बनाकर रख लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से जो जैगरी है इसमें मिक्स हो जाता है, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी पूजा है और समझ ना आए कि भोग के लिए क्या बनाएं, तो आप ये 5 मिनट्स में बनने वाला प्रसाद रेडी कर सकते हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरह से इसमें जैगरी के देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस है। अगर आधा घंटा पहले हम इसको बना के रखेंगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है और जैगरी जो है पूरा मेल्ट हो जाता है। अभी ऊपर से जो इलायची मैंने पाउडर करके रखे थे उसको भी इसमें इस तरह से डाल देंगे। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऊपर से मैं थोड़ा सा और हनी डाल के इसको गार्निश कर दूंगी। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो ऊपर से इसमें इस तरह से डाल देंगे। और अभी हमारा जो बनाना का भोग है वो बनकर रेडी है। अगर आपको ये झटपट बनने वाली बनाना की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।